हाय गाइस, मेरा नाम रिजवान, आप देख रहे हैं AMR अंसारी। फ्रेंड, ये रेडमी Y2 मोबाइल है, इसमें नेटवर्क का प्रॉब्लम है। चलिए फ्रेंड, हम आपको दिखा देते हैं कि देखिए, इसमें केवल आपातकालीन कॉल बता रहा है, यानी इमरजेंसी कॉल ओनली। चलिए हम आपको इसको चेक करा देते हैं। देखिए, इसमें नेटवर्क बिल्कुल शो नहीं हो रहा है। हमने ऑलरेडी पहले से सिम लगा के रखा है, देखिए इसमें नेटवर्क शो नहीं हो रहा। देखिए फ्रेंड, इसके पैनल को हम पहले से ओपन करके रखे हैं और इसके एंटीना पॉइंट को फटाफट रिमूव कर लेते हैं, फिर आगे बताएंगे। देखिए फ्रेंड, ये एंटीना पॉइंट रिमूव हो गया है। अब इसको हम फटाफट मल्टीमीटर से चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड, ये इस पर बीप की आवाज़ आ रही है, यानी इस पर रीडिंग शो हो रहा है। अब इसके वायर को चेक कर लेते हैं, एंटीना वायर को, कि इसमें प्रॉब्लम है या नहीं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही है। देखिए फ्रेंड, अब इसके ऊपर वाले पॉइंट को चेक कर लेंगे कि वहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस जगह पे। देखिए फ्रेंड, ये यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं आ रही है। देखिए, इस एंटीना पॉइंट पे कोई वैल्यू नहीं है फ्रेंड। अब इसके पार्ट्स को हम चेक करेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। देखिए फिर, ये कॉइल लगा है, इस कॉइल पे भी वैल्यू नहीं है, ये यहाँ पे भी वैल्यू नहीं आ रहा है। और देखिए फ्रेंड, ये वाले पॉइंट पे बीप की आवाज़ आ रही है, ये पॉइंट पे नहीं आ रहा है। हम आपको क्लियर करके दिखा रहे हैं कि इसका कौन सा पार्ट्स डैमेज है। चलिए फ्रेंड, इसका डिस्प्ले कनेक्टर रिमूव कर देते हैं, फिर उसके बाद हम इसको दिखाएंगे आपको। देखिए फ्रेंड, ये इस वाले कॉइल पे ये एक साइड में बीप आ रहा है, एक साइड में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये ख़राब है, इस वजह से इसमें बीप की आवाज़ नहीं आ रही है। चलिए फ्रेंड, इसको हम आपस में शॉर्ट कर देंगे। एक वायर की मदद से इसको हम आपस में शॉर्ट करेंगे और फिर उसके बाद चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड, ये जम्पर की मदद से
आपस में शॉर्ट हो गया है। अब इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। क्लीन करने के बाद इसको हम फिर से मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि अब इस पे वैल्यू आ रहा है या नहीं। देखिए फ्रेंड, इसको हम ब्रश से क्लीन कर देंगे और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए फ्रेंड कौन कौन से पॉइंट्स पे इसके जम्पर लगा है। देखिए फ्रेंड, देखिए एक यहाँ और एक इस वाले पॉइंट पे लगाना है। और अब इसको हम एक बार फिर से मल्टीमीटर से चेक करते हैं कि प्रॉब्लम सोल्व हुआ या नहीं। देखिए इसमें बीप की आवाज़ आ रही है। ये लाइन बिल्कुल सही हो चुका है फ्रेंड। अब इसको हम फटाफट इसके पैनल को फिट कर देंगे, एंटीना पॉइंट को और एंटीना वायर को फटाफट इसमें जोड़ देंगे, फिर उसके बाद सिम लगाकर चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड, ये एंटीना पॉइंट है, इसको हम लगा दिए हैं एंटीने को और इसमें स्क्रू टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद इसको हम फटाफट देखिए फ्रेंड, अब इसमें हम सिम लगाएंगे और सिम लगाने के बाद मोबाइल को ऑन करके चेक करेंगे कि इसमें नेटवर्क आ रहा है या नहीं। चलिए फ्रेंड, इसको मोबाइल होने तक थोड़ा वेट कर लेते हैं। देखिए ये ऑन हो चुका है और अब हम इसको चेक करेंगे कि इसमें नेटवर्क शो हो रहा है या। देखिए फ्रेंड, अब इसमें नेटवर्क बिल्कुल 100% शो हो रहा है। और देखिए फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड, हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू वॉचिंग।